Okay. क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं. मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारी उम्र हंसने गाने की है, ना कि उस गुनाह के लिए भागने की जो तुमने किया ही नहीं. मत सोचो, मैं वही हूँ जहाँ होना चाहिए. हमें अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा. तो तुम इस बात से दुखी हो? मैं थक चुका हूँ. तुम नहीं थकी? सच बताओ मैं कहला. हाँ, मैं भी थक चुकी हूँ, पर जो हमारे हाथ में नहीं है उस बारे में क्या सोचना. मुझे फिक्र है क्योंकि तुम्हारी माँ जेल से वापस आ गई है. मैं चाहता हूँ कि मैं एक शांत जगह पर रहूँ जहाँ पर मैं अपनी एक छोटी सी फैमिली शुरू कर सकूँ. मैं कहला सुकून से जीवन बिता सकूँ तुम्हारे साथ और एस्परांजा के साथ. तो अपना लवनेस्ट कहाँ बसाना चाहती हो? अभी तो पता नहीं, पर शायद बारीचारा. मेरी एक दोस्त है वहाँ पर, वेरोनिका, वो हमारी मदद जरूर करेगी. कब बैठो? हाय, सॉरी मैं तुम दोनों की बात के बीच में आ गया, पर मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा. क्या मतलब, तुम जा रहे हो? हाँ. चले जाओगे? कोई है भी तो नहीं जिसके लिए रुकूं, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ. सुनो, थैंक यू कबेटो, तुमने हमारी बहुत मदद की. जरूरत हो तो याद करना. क्यों नहीं, जरूर. मुझे खुशी है कि हम दोनों मिले. अपना ख्याल रखना. तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना. तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हो? कहना क्या चाहते हो? मुझसे पूछ रही हो? कपिटो जा रहा है और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा. तुम एक दोस्त से जाते हुए इतना भी नहीं कह सकती कि तुम उसे मिस करोगी? तुम्हें तो पता है मैं सारे दोस्त खो चुकी हूँ. और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो ये तसल्ली तो होगी कि गबे तो जिंदा है. बैठ जाइए. हमें आपके कुछ साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होंगे. जो भी करना है कीजिए. कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर क्यों हूँ मुझे नहीं पता. पर मुझे तो आपकी कुछ और ही रिपोर्ट मिली है कि आपने लोगों पर बेवजह गोलियां चलाई. हाँ, ये तो आप और मैं ही जानते हैं कि लोगों पर गोली चलाते हुए कैसा लगता है ना? यही जानने के लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं. डॉक्टर देखिए, आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि रिपोर्ट में लिख दीजिए कि मैं ठीक हूं, मैं हेल्दी हूं. वो क्या है ना कि मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं ना? आपकी गन अब भी लोडेड है क्या? ये लीजिए, अब नहीं है. पहले मुझे ये चेक करना होगा कि आपको थेरेपी की जरूरत है या नहीं है. नहीं, आप शायद समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. मेरा काम पर जाना बहुत 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 जरूरी है, मेरे बहुत सारे काम बचे हुए हैं. तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ. थैंक यू डॉक्टर, मुझे जाने दो. जॉनी सुनिए, मेरी बात सुनिए. जॉनी आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी. अजीब सा बिहेव कर रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? नहीं तो अंकल रिकार्डो क्या मेरे पापा की जगह ले लेंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा जूलियन ही रहेंगे. सैमी, बस मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको.
ऐसा दोस्त जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको। तो जब मेरे पापा आएंगे तब वो कहाँ रहेंगे? दूसरे घर में, पर तुम वहाँ जा सकते हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो यही रहें। देखो सैमी, अभी इन सब बातों को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बस ये सोचो कि अभी हम एक फैमिली की तरह अच्छे से रहेंगे। मैं, तुम और तुम्हारी मम्मी। पापा वापस नहीं आएंगे। वो वापस आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो सैमी, अगर वो वापस आ गए तो अच्छी बात होगी, तब तुम्हें प्यार करने वाले 3 लोग होंगे। लेकिन अगर वो वापस नहीं भी आते हैं तब भी तो हम तुम्हारे साथ। वो वापस आएंगे। सैमी बेटा सुनो, सैमी। अरे कैसे समझा पाऊंगी उसे मैं। मुश्किल है, पर तुम्हें पता है कि मुझे सैमुअल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है हमारी। सैमुअल को बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। रिकार्डो, मैं बार बार पैट्रिशिया के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं भी पैटी के बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे लेफ्टिनेंट की बात मान लेनी चाहिए हमारी। मुझे जल्द ही एक बॉडीगार्ड हायर करना चाहिए, स्पेशली तुम्हारे और सैमुअल के लिए। ऑफिस से फोन है, शायद कोई जरूरी काम होगा। हेलो। हाय बेबी, मैंने अभी अभी हाइड्रोस्पेयर के लिए पहला TARS से इनवॉइस बनाया है और मैं उसे कल सबमिट करूंगी। ओके। मैं तुम्हें पूरी अमाउंट डिटेल्स के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेजती हूँ, पर हाँ, मेरा 50% उसमें से रखना तुम भूलना मत। ओके। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स मुझे मत भेजो, मैं कल बात करूंगा। ओके। पता नहीं आखिर ऑफिस के लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, लेकिन अभी हम उस ऑफिस की प्रॉब्लम या किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत हो गया ये सब। मारी, मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ। जब तक हम दोनों साथ हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जूलियन, तुम अपनी मां से मिलने साथ चलोगी? नहीं, पर हां, आने के बाद मैं उनसे बात जरूर करूंगी। क्या? मुझे वक्त चाहिए। अब तुम जाओ और जाकर उसे ले आओ, और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। अरे नहीं नहीं, तुमसे मिलने के बाद एस्पेरांजा तो मुझे भूल ही जाएगी। बाय। वो मैंने सोचा इस बारे में, मैं उसे बात करूंगी पर मुझे शायद वक्त लगेगा। पर ऐसा क्यों मिकेला? क्योंकि 11 साल हो गए हैं, मैंने उसे देखा ही नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, मुझे तुम पर गर्व है। कबेटो, मुझे लगा तुम चले गए। हाँ वो बस मैं निकल ही रहा हूं। एक मिनट रुको, मेरा एक काम करोगे? बहुत जरूरी काम है कबेटो। हाँ बोलो, क्या करना होगा? अभी मैं एस्परांजा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे अभी मिकेला ने कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, पर तुम तो जानते ही हो कि वो कितनी मूडी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो अपना मन बदले। इसलिए मुझे लगा कि तुम उसके साथ कुछ वक्त बिता लो। हाँ हाँ, मैं मिकेला को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा मूडी है। इसलिए जाओ, उसे घुमाने ले जाओ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ और उसे खुश करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एस्परांजा से मिलने जा रहे हो, सो गुड लक बड़ी। आई विश तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो।
मैं कहां पर हूं? हॉस्पिटल में हो। क्या कहा? चलो ठीक है। तुम्हें गुस्सा आ गया था इसीलिए उन्हें तुम्हें बांधना पड़ा, नहीं तो तुम सब तहस नहस कर देते। अच्छा, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। खोलो मुझे। इम्पॉसिबल, तुम्हें अल्सर डिटेक्ट हुआ है और कुछ दिनों तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा। हमने प्लम्बर को खबर कर दी है, वो बस आता ही होगा। थैंक्स जॉनी, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पार्टनर हो। जॉनी मुझे जाने दो, मुझे उस लड़की को पकड़ना है, उस कैमरा को ढूंढना, और उसके बाद मैं एस्परेंजा को लेकर भाग जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो? मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं, मुझे जाने दो जॉनी, मुझे जाने दो। जॉनी तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जॉनी, 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक डीएलए एजेंट हूं और उस रूम में जो आदमी है उसे दवाई की हैवी डोज देनी होगी। ध्यान रहे, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? हम मुंह तो साफ कर लो अपना। बात को बदलो मत, बताओ कहां जा रही हो? जाना तो तुम्हें था। हाँ नहीं क्या, पर तुम बताओ तुम कहां जा रही हो, बताओ। मैं उससे बात करना चाहती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो पहले मुझे देखे। ठीक है, मैं भी चलूंगा, मुझे भी देखना कि वो कैसी दिखती है। तो इतना गुस्सा क्यों करती हो? हे बड़ी, एक काम करना, जूलियन मेरे और मिकैला के बारे में पूछे तो कहना फिक्र ना करे। जूलियन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम आजाद हो, मुझे भरोसा था कि हम जरूर मिलेंगे, मुझे पता था, मैं जानता मुझे था। भी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो सपना लग रहा है। क्या सच है? सच में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब मैं समझा कि तुम इतनी सुंदर क्यों हो। अच्छा लग रहा है ना? इन दोनों के बीच में कितना प्यार है और हम हैं कि और मिकैला वो कहाँ है? रुको मिकैला, ये क्या तरीका, कहाँ जा रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा और हम दोनों सीधा होटल जाएंगे। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बात हुई थी उससे, उसने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। और वक्त चाहिए उसे, पर क्यों? उसे वक्त देना होगा। ठीक है, उसके लिए ये सब आसान नहीं है, हमें समझना होगा। हाँ सही कहा तुमने, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तुम्हें जरूर मिलेगी एस्परेंसा, ठीक है? तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, समझ गए? तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? सुनो मिकैला, तुम भी वही गलतियां कर रही हो जो मैंने की थी। अच्छा कैसी गलतियां? तुम जानती हो
मैं भी अपनी फैमिली को कुछ नहीं समझता था। मुझे लगता था मुझे सब पता है, और जब मुझे सच का पता चला तो मैं उनसे माफी नहीं मांग पाया क्योंकि वो लोग मर चुके थे। कभी तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। क्या उसने डायरी पढ़ी? जब मैं उससे मिला तो मैंने उसे डायरी दी थी, पर उसने बिना पढ़े फेंक दी। डायरी फेंक दी, इसलिए तो शायद वो मुझसे यहां मिलने नहीं आई है ना। तुम्हें पता है मैं उसे जानने लगा हूं, वो दूसरों से थोड़ी अलग है। उसे तुम्हें जानने का मौका दो एस्परांसा, और ये बात अगर वो समझ गई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ सही, वो तुमसे जरूर मिलने आएगी। ओके, मेरा यकीन करो। हाँ। सच में एस्परांसा तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। शेरिफ, मैं स्पेशल एजेंट जॉनी मेसन बोल रहा हूँ। हमें यह खबर मिली है कि दो मुजरिम गिरोह में छुपे हुए हैं, मिकेला जराटे और जूलियन दुआरते। मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी है, जैसे ही वो आपको मिले मुझे तुरंत उनके बारे में बताइएगा। मुझे इसी नंबर पर इन्फॉर्म करिएगा। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि अब हमारी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है, पता है, जैसे कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। ये जेल जाना, मेरा तुमसे अलग होना। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। अभी भी हमारे हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है। हाँ पर ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होगा, है ना। लो पहुंच गए। अरे वाह, बहुत सुंदर है। चलो। हेलो हेलो, क्या आपने मिकेला को देखा? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। क्या मतलब, कौन बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, वो सिर्फ दोस्त है कबेटो। उसने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है, फिक्र मत करना। ठीक है, थैंक यू। वो कबेटो है, उसने हमें यहाँ पहुँचाने में बहुत मदद की। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों ना हम बैग यहीं छोड़ दे और वॉक के लिए चले, मेरा मन है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है मिकेला, तुम सच्चाई कभी मानोगी ही नहीं, और मुझे हमेशा ऐसे ही तुम्हारा गुस्सा सहना पड़ेगा। कबे तो क्या हुआ? वहाँ पुलिस है। चलो चलो चलो, यहाँ पीछे पलट के मत देखो, चलो चुपचाप चलते रहो। हे गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ। किस तरफ जा रहे हो? मेन रोड जा रहा हूँ। क्या तुम हमें आगे तक लिफ्ट दे सकते हो? बैठ जाओ। हे थैंक यू सो मच। चलो हम बैठ गए। तुम्हारी माँ आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है घर पर। क्या तुम मिकेला को ढूंढने की कोशिश कर रही हो? नहीं, इसीलिए यहाँ आना चाहती थी ना कि शायद वो दिख जाए, है ना? हाँ। मैंने बताया ना, जैसे उसे लगेगा वो खुद आकर बात करेगी। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा अगर उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसे मुझसे मिलना चाहिए, तो क्या वो मुझसे नहीं मिलेगी? तो क्या होगा मेरा? ऐसा कभी नहीं होगा। उसने बहुत मुश्किल भरा वक्त गुजारा है एस्परांसा। उसका पहला रिएक्शन हमेशा ऐसा होता है जैसे लड़ने के लिए तैयार हो, पर जब तुम उससे मिलोगे तो तुम देखना वो कितनी प्यारी है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम्हारे सारे गुण उसके अंदर है। पता है मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? क्या? वो कबेटो के साथ इसलिए गई ताकि वो हमें अकेला छोड़ सके। उसे मालूम था कि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आह
हाँ हाँ रोको, गाड़ी रोको। हाँ साइड में लो, साइड में लो उसको। बस 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 रोक दो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? तुमने इन दोनों को कहीं देखा है क्या? चलो मैं कह रहा हूँ। रुको, 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 गाड़ी से निकलो तुम। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। रुको, गोली मार दूँगा। रुक जाओ, देख तो गोली चला दूँगा। हाँ, चल दिया, चल। रुको। मैंने कहा रुक जाओ, हम गोली मार देंगे तुम्हें। तेज दौड़ो तेज। रुक जाओ, रुक जाओ।